नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल भारत दस्तक के ऊपर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा, छतरपुर में किस प्रकार से जो बागेश्वर धाम है उनके छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई, उन्होंने एक अहिरवार समाज की शादी में जाकर, एक बहन की शादी में जाकर, एक बेटी की शादी में जाकर हुड़दंग मचाया। वहां पे कट्टा मट्टा चलाया, सिगरेट पी के भद्दी भद्दी गालियां दी, तोड़ फोड़ की गई पंडाल में, जिसको लेकर मामला गर्म हुआ। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने भी एक बयान जारी करा कि हम संविधान को मानते हैं और मेरे भाई के साथ कानूनन जो भी कार्रवाई होगी मैं उसमें साथ हूं। हालांकि ये सब कुछ ढकोसला था, ये सब कुछ क्या बोलते ऐसे ही मीडिया को बयानबाजी कर दी गई। लेकिन दोस्तों एक बड़ी खबर अब निकल कर आ रही है। चंद्रशेखर ने कहा है ना कि जहां जहां अत्याचार होगा, जहां जहां मेरी बहन बेटियों, जहां जहां मेरे भाइयों के ऊपर अत्याचार होगा वहां मैं पहुंचूंगा। तो अब एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि 17 मार्च, हाँ दोस्तों तारीख नोट कर लीजिए, 17 मार्च 2023 को छतरपुर पहुंच रहे हैं आप सबके प्यारे चंद्रशेखर आजाद जी। हाँ दोस्तों, छतरपुर की धरती पर आगमन होगा चंद्रशेखर आजाद, रावण का, भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहुंचने वाले हैं छतरपुर 17 मार्च 2023 को। ये पोस्ट आपके सामने चल रही होगी। विनोद अम्बेडकर जो कि मध्य प्रदेश भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से आते हैं, बड़े नेता है, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, भीम आर्मी के हर आंदोलन में भाग लेते हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है कि 17 मार्च 2023 को बड़े भाई चंद्रशेखर जी पहुंच रहे हैं छतरपुर, छतरपुर बागेश्वर धाम की जो गद्दी है उसको हिलाने के लिए, छतरपुर जो उसके भाई ने कांड किया है उसको हिलाने के लिए, छतरपुर अपनी बहन के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो उसकी शादी में हुड़दंग मचाया गया उसका बदला लेने के लिए और धीरेन्द्र शास्त्री को सबक सिखाने के लिए पहुंच रहे हैं छतरपुर चंद्रशेखर आजाद, ऐसा कहना है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट आ रही है कि छतरपुर धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, अब अपनी गद्दी वो बचा ले। दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता था कि छतरपुर की धरती पर अब चंद्रशेखर का आगमन होने वाला है। क्या होगा आगे, क्या धीरेन्द्र शास्त्री वहां पर रहेंगे या वहां से भाग जाएंगे, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री क्या होगा अगला कदम धीरेन्द्र शास्त्री का, और चंद्रशेखर जी वहां पर जाकर क्या करेंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कमेंट बॉक्स खुला है भाई, जाकर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आने वाली छतरपुर की जो भी घटनाएं होगी, जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल में मिलने वाली है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए। तब तक देखा करिए भारत दस्तक।